बड़ी जानकारी उस बीच आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम एकीकरण के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के लिए एक होगा नगर निगम अधिनियम। जी हां, आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकीकरण कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता। दिल्ली नगर निगम एकीकरण का मामला और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता। दिल्ली के लिए एक होगा नगर निगम। जी हां, दिल्ली के लिए एक 2022 को राष्ट्रपति की सहमति जो है वो मिल गई है, ये बड़ी खबर। एकीकरण कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम एकीकरण का मामला, स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली के लिए एक होगा नगर निगम, इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए अंजलि, दिल्ली में तीनों निगम नगर निगम एक करने को लेकर राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो जो है कानून को मिल चुकी है। इससे पहले हमने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा में ये जो है पहले ही पास जो है कराया जा चुका था। ऐसे में अब दिल्ली में अलग अलग MCDs ना होकर एक ही नगर निगम जो है होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 18 मई को जो तीनों MCDs है उनको जो चुनाव है वो जो है कमीशन की तरफ से जो है कराए जाने थे, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया था तो अचानक जो डेट है वो अनाउंस नहीं की गई, और उसके पीछे कारण यही कहा गया था कि तीनों नगर निगम एक करने को लेकर जो प्रक्रिया है वो जो है शुरू होती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में आज फिलहाल राष्ट्रपति की तरफ से दिल्ली के तीनों नगर निगम की बात चाहे ईस्ट MCD की बात की जाए, नॉर्थ MCD की बात की जाए या फिर साउथ MCD की बात की जाए, उनको एकीकरण को लेकर जो है मंजूरी फिलहाल दे दी गई है। तो ऐसे में पार्टीज का किस तरीके का रिएक्शन जो है इसको लेकर निकल कर सामने आता है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि चाहे तीनों करने हो या फिर अलग अलग करने हो, लेकिन चुनाव समय पर होने चाहिए ताकि जो लोकतंत्र है उसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों का विश्वास बना रहे। स्पष्ट, तो बहुत जल्द अब तारीखों का ऐलान भी होना संभव माना जाए? और देखिए अंजलि, इसके बाद तरीके की जो प्रक्रिया है वो जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनाता हुआ नजर आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा और उसी से डिपेंड करेगा कि ये तारीखों का ऐलान जो है जल्द होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 2012 से पहले नगर निगम एक ही दिल्ली में हुआ करते थे, लेकिन चूंकि ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रहा था ऐसे में सोचा गया कि नगर निगमों को ज्यादा अच्छे तरीके से नगर निगम जो है चुनाव जो कार्य है वो करते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या जो महापौर एक मिलेगा या फिर मेयर इन काउंसिल की व्यवस्था अगर दिल्ली में अपनाई जाती है तो उसमें देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है इन तमाम व्यवस्थाओं को अपनाएगा और कब तक जो इलेक्शन का जो डेट है उनका अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आएगा। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली नगर निगम एकीकरण के मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लिए अब एक होगा नगर निगम।